अभी आप एक बार हमारा प्रेम से मिल तो लीजिए, हमने उन्हें अच्छी तरह परख लिया है, वो लाखों में एक है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, काबिल और समझदार भी है। स्टॉप, 8 बज गए, मेरा अखबार कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। दादी, प्रेम बहुत अच्छा आदमी है और अमर दिल का सच्चा आदमी है। दोनों कमाल के हैं, अकल से, शक्ल से, दिल से, दिमाग से, आवाज से, अंदाज से। स्टॉप, मेरी चाय कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। दादी, अंकल, अमर एक बार अमर प्रेम से तो स्टॉप। जब से मैं आया हूँ अमर प्रेम, अमर प्रेम, अमर प्रेम के बारे में सुन रहा हूँ, मेरे बारे में कोई पूछता ही नहीं। कल शाम 7 बजे बुला लेना। नाउ गो, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, थैंक यू अंकल। सर, शक्कर डालने का टाइम हो गया सर? नॉनसेंस, जो मैं कह रही हूँ ठीक से सुनो, वरना ऊपर जाके सब गड़बड़ कर दोगे। अंकल बहुत कम बोलते हैं और सुनते भी कम है। हाँ। क्या ऊंचा सुनते हैं? अरे बाबा, ज्यादा बकबक मत करना। और सुनो, डर के चुप्पी मत रहना प्लीज। इसमें डरने की क्या बात? अरे भाई, जवान दिलों का मामला है, आपस में प्यार है, शादी का इरादा है। हाँ कहेंगे तो घर में करेंगे शादी, ना कहेंगे तो मंदिर में। क्यों भाई? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। रियली बेबी, वेयर्स द रूम? कम इन। हाथ नीचे। पूरे 3 मिनट लेट हो। 3 मिनट का क्या वैल्यू होता है जानते हो? 3 मिनट में करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। शट अप, मैंने तुम्हारे लिए 6 मिनट रखे थे। 3 मिनट तुम्हारे बोलने के, 3 मिनट मेरे बोलने के। तुम अपने 3 मिनट गंवा चुके हो। अब सिर्फ सुनो। शट अप, स्टार्ट। अमर और प्रेम, अमर प्रेम, पवित्र और भक्ति रस से भरपूर। नाम सुनके ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स, अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोचकर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरे 3 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा, क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। उंगली मुंह से और तुम कमरे से बाहर। क्या हुआ? होना क्या था? रोक जाने लगे, लंबा चौड़ा भाषण। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैंने भी कह दिया उनसे कि आप जैसे भी होंगे, उसे हमें क्या। अजी देखना, आपको चाहिए कि हम कैसे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। उनको लगा कि लड़के की बात में दम है। हाँ, जो मैंने बोला था वो भी बोल दे। मुझे देख के ऐसे भी जोश आ गया। अच्छा, क्या कहा तूने? बोलना क्या था? चुप करा दिया उनका। एक एक सवाल, मेरे दो दो जवाब। एक एक सवाल, दो दो जवाब। सवाल एक, जवाब दो। सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। चुप, लंबी खामोशी। देखो, मेरे ख्याल में तुम लोग ऐसा कुछ करो कि कम से कम उसकी नजरों में लायक बनो। जैसे 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 मान लो कि राम गोपाल बजाज किसी मुसीबत में फंस जाता है और तुम लोग आके उसे छुड़ा लेते हो। वो साला खुद ही एक मुसीबत है। वो क्या मुसीबत में फंसेगा? साला हिटलर। आइडिया, मान लो कि वो बुड्ढा किडनैप हो जाता है और तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर उसको बचा लाते हो। तुम दोनों हो गए ना हीरो। शादी करने का प्लान बता रहे, शहीद होने का प्लान बता रहा है तू? हाँ, ये तो साला बात जान पे ला रहा है यार। हम लोग जान पे नहीं खेल सकते। क्या किडनैप? किडनैप कौन करेगा? किडनैप हम करेंगे। हम करेंगे किडनैप। हम लोग बदले में 5 लाख रुपए मांगेंगे, तुम लोग आके छुड़ा लेना। बस हो गया काम। वेरी सिंपल। अरे आइडिया, शादी मुबारक हो यार। सर वो एक नंबर का टाइम पीस आदमी है सर। 7 सेकंड में ये, 12 सेकंड में ये, 15 सेकंड के बाद ये। मैं बोलू सर, राम गोपाल के बदले उसका नाम HMT रखना चाहिए। रॉबर्ट। आप क्या कर रहे थे सर? तो तुम हो तेजा के आदमी लोग। मैंने सर, ये होएगा सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये मेरे को इधर ले आया। शट अप, एक तो उसके साथ काम करते हो और ऊपर से झूठ बोलते हो। कौन हम लोग सर? सर वो एक नंबर का नालायक पाजी और एकदम हल्का आदमी है सर। मैं बताता हूं, फ्रॉड एंड अ चीट। मैं बोलूं सर, आप मेरे साथ अभी अभी पुलिस स्टेशन चलिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करा के अभी अभी उसको अंदर करा दे। मैं तेरा गेम कर डालूंगा। साले मेरे पीछे मेरा ही मुक्का बिछा रहे हो। तेजा साहब, मैं तो पहले से ही जानता था। सर, आपने क्या ब्यूटीफुल गेटअप किया सर? मैंने सॉलिड स्टाइल पकड़ा है उसका। अपुन ने धोखा खा गया तो दुनिया का क्या होगा? अभी देख रहा है वो सफेद रामू के घर में कैसे घुसना है। वेरी सिंपल, उसका भी प्लान हम बनाएंगे। बुढ़ा ठीक 6 बजे उठता है, उठते ही दौड़ता भी है,
ब्लडी ओल्ड मैन। लेडीज हॉस्टल के सामने ही दौड़ते रहता है। ब्लडी थर्की फेलो सर। ठीक 7 बजे वो पेपर पढ़ता है। ठीक 7:30 बजे वो नहाता भी है। ब्लडी डर्टी मैन। उसके बाद गार्डन में बैठ के पूरे 9:30 मिनट पेपर पढ़ता है। ठीक 9 बजे वो गोल्फ क्लब पहुँचता। आता कुछ नहीं है लेकिन 9:30 बजे तो गोल्फ भी खेलता है ब्लडी जोकर। उसके बाद 13 मिनट पूरे गोल्फ कोर्स पर अकेले में वो टहलता है। उसी वक्त अकेले में नींबू पानी। सर, सर, अमर अभी तक हिटलर किडनैप हो चुका होगा और अभी तो फोन भी आता होगा। अबे तू अंदर जाके ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, पूरा गेम बिगड़ जाएगा। चुपचाप मेरे साइड में खड़े रहना। लेकिन मैं तो तेरी मदद करूंगा यार। तू शादी करना चाहता है तो प्लीज मेरी मदद मत करना। हाय गर्ल्स। हाय। आहा, हा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों। डैडी घर पे? क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? डैडी ने आज फिर डांट दिया क्या? डैडी का कहीं कुछ पता नहीं और अब तक घर भी नहीं लौटे। कहीं किडनैप विडनैप तो नहीं हो गए? कुछ भी बोलते रहता है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, अभी तक फोन भी नहीं आया है। फोन तो आना ही है, फोन तो आ जाएगा। हेलो। क्या 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 अंकल किडनैप हो गए हैं। 50 लाख मांगे हैं। 50 लाख? हाँ। इधर लाओ, इधर लाओ। 50 लाख की मांगे पूछ। हेलो। कटिया तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे डैडी हमारे डैडी, हम अपनी जान पे खेलकर उनको वापस लाएंगे। हाँ, यू गए और यू आए। मेरा मतलब बहुत मुश्किल से लेके आएंगे। तू रोना नहीं है। चल और तुम भी चल 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 चल। हाँ चल, चल। प्लानिंग कामयाब, लड़कियां भी खुश, अंकल भी खुश, शादी मुबारक। अच्छा। अरे सुन 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 सुन। क्या हुआ? अंकल कुछ किडनैप विडनैप नहीं हुए हैं, ये सब अमर और प्रेम की बदमाशी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। ये सब अंकल को खुश करने का प्लान था। कैसे? देख, पहले वो अंकल को किडनैप करवाएंगे। हाँ? फिर अंकल को छुड़ाएंगे। हाँ? अंकल की आंखों में वो तो हीरो बन गए ना। हाँ? फिर देखो कितना परेशान कर दिया हम दोनों को, अब हम भी उन्हें सबक सिखाएंगे। राइडो। हाँ। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सच सच बताइए सेवाराम जी, इस धंधे में आप कब से? हाँ, कब से? आखिर हुआ क्या? 5 लाख मांगने के लिए कहा था, 50 लाख क्यों मांग लिया? नहीं नहीं नहीं। रोई मत, रोई मत। मांग लिया तो मांग लिया, अरे देना किसको है? देखो 50 लाख रुपए हमने नहीं उसने मांगे। उसने अरे उसी ने जिससे राम गोपाल बजाज का अपहरण किया था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखो मैं समझाता हूँ, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने शिकार पर जाल भी डाल दिया था। क्या अचानक धनादन हमारे सर पर जोर से वार हुआ, जमीन फटने लगी, आसमान टूट पड़ा और हमारी आंखों के आगे। अरे बंद करो ये रेडियो प्रोग्राम। यार प्रेम, मामला तो सीरियस हो गया, लगता है इसमें किसी बड़ी गैंग का हाथ है। गैंग? हाय बॉयज, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग आज। अंकल घर पे आ गए क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ। देखो अंकल को किसी बड़ी गैंग ने किडनैप कर लिया है। हाँ भाई, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। 50 लाख मांगा है, दे देंगे। अरे ठीक ही तो है ना यार, अब इन लोग का अंकल है, इन लोग को कोई टेंशन नहीं तो अपने को काय का टेंशन। बैठ, खाना टेबल पे लगा है, एप्पल अच्छे खा। देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, गैंग इतनी बड़ी है और रकम इतनी छोटी मांगी है, सिर्फ 50 लाख। शर्म आनी चाहिए। 50 लाख? वो तो फिर भी बहुत ज्यादा है, हम लोग तो सिर्फ 5 लाख मांगने वाले थे और ये कह रहा था कि वो भी ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए। फोन। हेलो हेलो हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया कि नहीं? तुम्हारे बॉस लोग यही बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कीजिए। मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस कौन है?
हेलो, मैं अमर बोल रहा हूँ। अबे घोंचू, तू रवीना को फोन दे। तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझे नहीं बात करनी। हेलो, क्या बात है, बोलिए। अबे गधे, तू रवीना को फोन देना। रवीना, तुमसे बात करना चाह रहा है। तुम्हारा आदमी है, तुम बात करो। देखिए, ये लोग फोन पे नहीं आ रहे हैं। आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए। अबे गधे, उल्लू, बाजी, कुत्ते, चूहे, बंदर। अबे गधे, तू, तेरा बाप साले, बात सुन ली तेरी। जो बोलना है बोलने, तो फोन रख रहा हूँ। सुन 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 सुन, देख, राम गोपाल बजाज हमारे कब्जे में है। अगर उसको जिंदा चाहते हो तो पूरे 50 लाख लेकर पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर पे आ जाना, समझा? और जरा भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो राम गोपाल का राम राम हो जाएगा, समझा तू? हाँ हाँ, ठीक है। कमाल करते हो यार तुम लोग, तुम्हारे डैडी किडनैप हो गए और तुम लोग फोन पे नहीं आ रहे हो। चुप करो, बहुत हो गया। देखो, मजाक की भी हद होती है। तुम जाओ, मेरे डैडी को लेकर आओ। अबे देखो, तुम्हारे डैडी को हमने किडनैप नहीं किया। और जो मैंने सुना वो क्या? वो बंगले के नीचे बड़े खीकी क्या क्या हो रहे थे, बड़े प्लान्स बन रहे थे। हाँ? बोलो, बोलो, हाँ, हाँ। वो तुम लोग को प्रेम समझाएगा। प्रेम, इधर आ और इनको समझा। हाँ, अबे जल्दी आ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसका मतलब है कि किडनैप तो हमारे आदमी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किडनैप इन लोगों ने किया। क्या डैडी, सचमुच किडनैप? जी, देखिए, इसमें गलती हमारी है और हम लोग अपनी जान पे खेलकर उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डैडी? नहीं, हमारे डैडी नहीं, हमारे डैडी गांव में। चल यार, तुम चाहो तो रो सकती हो, ये लो नैपकिन। चल चल, नमस्ते। अच्छा, तो जिंदगी भर के कमाई हीरो में बदल दी। तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं तुझे दूंगा नहीं। अरे जान चली जाएगी, तुझे पूछेगा ही कौन? देखे रामू, शाना बन के लॉकर का नंबर दे दे। ये तो खून का रिश्ता इसलिए लिया कर रहा हूं, वरना तेरा तो मैं कभी का गेम कर डालता। तेरी फिरौती के लिए 50 लाख मांगे है मैंने। तेरी बेटियां भी पैसे लेकर आ ही रही होंगी। 50 लाख हाथ में आते ही पुलिस वालों का मुंह बंद, राम गोपाल बन के चैन की जिंदगी जीऊंगा मैं। फिर ना लॉकर दूर, ना नंबर दूर, ना चाबी दूर और ना हीरे दूर। मैंने 50 लाख मांगे थे और ये थैली में 50 लाख लेकर आए। सर, लाख लाख के 50 चेक होंगे सर। चुप कर रॉबर्ट, मैं ही जाके देखता हूँ। ए अमर, चल यहाँ से। लगता नहीं आया और आएगा भी नहीं। मुझे बहुत जोर से सुसू आई है, हम लोग कल सुबह आएंगे। चल अभी रुक, डरता है क्या? नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ रात से। अभी क्या घबराता है? मैं हूँ तेरे साथ, क्यों डरता है? हाँ? डरा था क्यों है? चिल्लाता क्यों है? सॉरी सॉरी। क्या है, क्या है? माल किधर है? ये लो ये लो। अबे रुक, अंकल कहाँ है? माल कहाँ है? ये लो ये लो। अबे रुक यार, देखो, हम लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पहले अंकल को दिखाओ, फिर हम माल देंगे। क्यों? ये देख, ये देख। क्या है, ये देख। क्या है, क्या है? अबे अबे अबे, देना यार। ये लो ये लो। अंकल बताए कब से बोलो देने के लिए। ये तो चिल्लर है। चिल्लर? हाँ। अरे पूरे 8,535 रुपए 29 पैसे है। मैं क्या चिंदी चोर दिखता हूँ? ये फिरौती के पैसे की मैयत का चंदा है। मालिक, जितना था सब लाया हूँ। हाँ। मैंने 50 लाख मांगे थे, कहाँ है? अरे 50 लाख, 50 लाख कहाँ से लाएंगे हम? क्यों, आपका प्लान ही गलत है। हाँ? आपने बाप को किडनैप किया और बेटी से मांगा। आपको बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से मांगना चाहिए था। प्लान ही गलत है आपका। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? चुप कर, मैं तो गोली मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, रामू को तैयार करो। हाँ? साले 7,000 रुपया ही लेकर आए हैं। हाँ? सर, मैंने बोला था ना सर, दोनों बहुत चालू है। हाँ? वो 2 नंबर का है ना, वो छोटा। शट अप रॉबर्ट, हम इसी से काम चला लेंगे। खबरदार, 1 रुपया भी खर्चा मत करना। हाँ? राम गोपाल का ख्याल रखना जी, मैं चक्कर लगाते रहूंगा। हाँ, जाता हूँ। 1 रुपया भी खर्चा मत करना। अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए। अंकल, हमने अपनी जान पे खेलकर आपको बचाया। चलो 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 भतीजा, चलो चल फ्रेंड। अंकल पीछे, अच्छा सोचा अंकल। हाँ हाँ, बीच में ही ना, बीच में। हाँ बीच में, पीछे पीछे।
लेकिन फिर मैं चलाऊंगे पीछे बैठा बैठा क्या अच्छा आगे डंडी पर डंडी अच्छा हां डंडी पर ट्राई करिए अंकल डंडी पर ट्राई करिए लेकिन फिर मैं चलाऊंगा कैसे हां ये भी बैठिए ना अंकल उसी गोद में बैठिए गोद अंकल गोदी वाले चल चल नीचे उतर गोद में बैठ नीचे उतर गोदी वाले अब एक इडियट है पता भी नहीं चले और पीछे बैठे अंकल और तुम लोग भी एक बात अच्छी तरह से सुन लो अगर हम लोग से प्यार है तो डैडी और पैसों को छोड़ के आना पड़ेगा क्या हम ये बात मानते हैं प्रेम मगर बात ये है कि डैडी काफी बदल गए हैं जो आदमी शराब के नाम से चिढ़ते थे आज शराब घटाघट पी जाते हैं अरे गाली गलौज भी कितनी देने लगे हैं मालूम है अरे होता है ऐसे चार दिन गुंडे मवालियों के बीच में रहे हैं बुरी आदत लग गई बिगड़ गए अंकल अब भूल जाओ उनको भूल जाओ मतलब हिटलर टोटल लॉस टोटल साला बड़ा हिटलर बनता था बटलर मजाक करने का ये कोई वक्त नहीं है अरे उस दिन तो घर की तलाशी ऐसे ले रहे थे जैसे कोई पुलिस चोर के घर की तलाशी ले रहा हो हां कल रात सारा घर उथल-पुथल कर डाला उथल-पुथल